जैन दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस फ्रेश वीडियो में हम स्वागत करते हैं उन सभी लोगों का जो कि KTM RC 125 के लवर हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जम के तारीफ करेंगे RC 125 का। गौर फरमाइएगा कि मैं जम के तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ या फिर कुछ और भी नहीं। तारीफ का मतलब ये है कि अगर आपकी ये ड्रीम बाइक है तो आपको तो ये जानना चाहिए ना कि क्या ऐसी विशेषताएं हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको सच में बेस्ट बनाती हैं, क्योंकि ये 125 सीसी सेगमेंट में सबसे महंगी बाइकों में से एक है, क्योंकि लगभग 1,80,000 से 1,85,000 इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है अगर आप RC 125 लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो करिएगा अपनी तरफ से एक लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, यहां पे हम तारीफ का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला एडवांटेज यानी सबसे पहली तारीफ करेंगे इसके अपीलिंग लुक को लेके, क्योंकि देखिए RC 125 एकदम सेम टू सेम RC 200 RC 390 की तरह ही दिखती है। तो इसलिए 390 मतलब एक अपर सेगमेंट में बाइक चली जाती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में जो है लेते हैं इस बाइक को, थोड़ा सा प्राइस कम पड़ जाता है इसका अदर इसकी मॉडल की अपेक्षा, तो आपको सेम लुक सेम प्रेफरेंस मिल जाती है। तो ये काफ़ी सही लगता है कि जो इसका लुक है वो पर्सनली बड़ा ही अपीलिंग और बड़ा ही स्पोर्टी लगता है। तो ये इसका मुझे लगता है सबसे पहला एडवांटेज है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दूसरे एडवांटेज की इसके, तो वो ये है कि ये 125 में मुझे सबसे बेस्ट फीचर से भरी हुई बाइक लगती है, क्योंकि इसमें फीचर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो इसका मीटर कंसोल, मतलब आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन लगभग इसके मीटर कंसोल में मिल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। LED लाइट का मतलब कि जो इसके साइड इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको LED मिलते हैं, पीछे का जो टेल सेक्शन है वो भी आपको LED मिलता है। तो LED लाइट्स वगैरह इसमें मिल जाती हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो मेन हेडलैम्प को लेके है, इसमें आपको प्रोजेक्टर टाइप के हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर टाइप मतलब ये मत समझिएगा कि प्रोजेक्टर का कॉपी, मतलब प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही मिलते हैं जिनकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी लगती है। नो डाउट जिनको पता होगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प के बारे में वो जानते होंगे इसकी विशेषताएं। तो ये दूसरा जो एडवांटेज है ना, ये भी इसमें मैंने इसको इसीलिए शुमार किया। बात करें अगर इसके तीसरे एडवांटेज की, तो वो ये है इसका ब्रेकिंग सेटअप। जी हाँ, इसमें फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं और सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो देखिए, ये एडवांटेज भी है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है, आगे वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो ब्रेकिंग सेटअप है वो काफ़ी सही मुझे लगता है। दोनों ब्रेक अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो रुकने की स्पीड है ना, जो रुकने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब आप अच्छा कंट्रोल रहता है आपका RC 125 से। और पीछे आपको रेडियल टायर मिल जाते हैं, काफ़ी चौड़े हैं, 140 सेक्शन के टायर है, तो मतलब मज़ा आता है, एकदम अच्छा लगता है, ठीक है। और दोस्तों, उसी में एक जो एडवांटेज वो भी इसी में जुड़ा हुआ है, तीसरे एडवांटेज में है, वो है इसकी सस्पेंशन क्वालिटी, क्योंकि इसमें आपको UHD फोर्क मिलता है, यानी कि अप साइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो भैया, मतलब 125 सीसी सेगमेंट में इसी बाइक में आपको UHD फोर्क मिलता है और किसी बाइक में ड्यूक के अलावा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी तीसरा एडवांटेज मुझे लगा। अब बात करते हैं चौथा एडवांटेज यानी कि तारीफ नंबर 4, तो वो ये है दोस्तों, इस बाइक में आपको 6 गियर्स मिलते हैं, 6 गियर्स मिल जाते हैं। तो छठे गियर्स पे नो डाउट आपका जो हाईवे पे स्मूथनेस होगा, जो राइडिंग स्मूथनेस आपको मिलेगी ना, वो मतलब मक्खन की तरह मस्त वाली। क्योंकि अगर आप 160 सीसी की बाइक चलाते होंगे, NS 160 की बात करूं या फिर अपाची की बात कर लूं, किसी की भी बात कर लूं, तो आप पाँचवें गियर पे कभी कभी आपको लगता होगा कि यार एक गियर और होता तो बड़ा मज़ा आ जाता, तो वो कमी यहाँ पे पूरी होती है RC 125 में। तो ये चीज़ भी मुझे एडवांटेज में लगती है। बात करते हैं इसके आखिरी एडवांटेज की, तो वो ये है KTM RC 125 की जो रीसेल वैल्यू है वो मुझे काफ़ी सही लगती है। क्योंकि अभी तक मैंने नोटिस किया है कि RC 125 को अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जो है बेचते हैं तो आपको रीसेल वैल्यू काफ़ी सही मिल जाती है। तो ये मुझे इसके एक एडवांटेज में लगा, क्योंकि रीसेल वैल्यू काफ़ी वैल्यू करती है, क्योंकि हमें बाइक चेंज करनी होती है, अगली बाइक लेनी होती है, तो जब तक हम अपनी पिछली बाइक अच्छे दाम पे बेचेंगे नहीं तब तक अपना बजट कैसे निर्धारित करेंगे। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी सही लगती है। तो मैंने आपको 5 एडवांटेज बताए, इसके अलावा जो एडवांटेज आपको लगते हैं वो आप कमेंट में बताइए। हमारी इंस्टाग्राम ID DavidRahulJR पे है, वहाँ पे आप हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम इसकी करने वाले हैं बुराई, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा।
क्योंकि भैया देखिए कोई बाइक 100% परफेक्ट नहीं होती है, आपको भी पता है, तो अगली वीडियो में हम आपको इसकी कमियां जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।